into my heart. Now I'm falling fast and my world's expanding. Feels like love, even though we're kinda nervous. Together we'll be strong. I don't know for sure, all I know. कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे हो गए और मैं भी अच्छी। कल का दिन मैंने कुछ भी सूट नहीं किया, कल महाशिवरात्रि था। कल सुबह ही उठते ही मुझे हॉस्पिटल भागना पड़ा और मैं आई हूँ 3 बजे दिखा के। तो क्या है, क्या डॉक्टर ने लिखा है, क्या चल रहा है, सब बताऊँगी। फिलहाल तो आज मेरी मम्मी बड़ी खुश हैं क्योंकि सुबह उठते ही गई हैं बालकनी में, आवाज़ दे रहा था कोई, तो नीचे से ठेला वाला कोई था, तो आज तक अकेले नीचे नहीं गई थी, जाती थी मेरे साथ ही। तो गई तो कह रही है कि आके मुझसे कह रही है मटर बेच रहा जाके ले आऊँ। मैंने कहा जाओ, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, डरती बहुत है ना, तो मैंने कहा नहीं। तो गई है मटर गोभी पालक ताज़ा दिखा रहे हैं। एक मिनट, तो भैया ये पालक ताज़ा जो कि मुझे भी दिल लगा है ये लेके आई है, और ये गोभी लेके आई हैं, देख सकते हैं ताजा, और वो मटर है, ये मटर है। तो इतना खुश हो गई कि मैं नीचे जाके इतना चीज ले आई, और बता रही है कि 20 रुपए का गोभी बोला था 15 रुपए का करवा ली, और पालक बोल रहा था 20 रुपए का 15 रुपए का करवा ली, 30 रुपए का मटर ऐसे ऐसे करवा के। तो इनकी खुशी यही है सब्जी, क्योंकि वहाँ जाती थी सब्जी उब्जी लाती थी, अब यहाँ पे नीचे मेरे साथ ही उतरती हैं। बाकी सब्जी उब्जी काट दी हैं, देखो क्या बनता है। मैं बोल रही थी अभी बालकनी में मैं गई, कोई पकौड़ी छान रहा था, लग रहा है, मैंने कहा लग रहा है किसी ने पकौड़ी बनाया, तो करेंगी बना खाओगी क्या? मैं नहीं, या टिक्किया बना दूँ खाओगी? हम क्या यार, चलो डॉक्टर ने क्या बोला है क्या नहीं बोला है अभी बताएंगे। फिलहाल तो फटाफट पालक काटने को बोली है तो पालक काट लेते हैं, ठीक है? तो आ जाओ। काट दी वो बन रहा है आलू चना, आलू गोभी बॉयल कर दिया जाएगा, गोभी अच्छा कर दिया जाएगा, मसाला हम तैयार व्यार करके अच्छे से, फिर गोभी थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे, और फिर जो उबाला हुआ है आलू और चना उसकी सब्जी बन जाएगी, हो जाएगा। लावा में कहा ही रहता है, आज किचन का बाहर कार हम संभाल लिए हैं, आ गए हैं किचन में। तो सपैता मम्मी का हो गया है, सब्जी बनाना है, सपैता में छौंक लगाना है, दिखाते हैं मम्मी का सपैता। इसको थोड़ा गाढ़ा कर देंगे। जब से मैं दिल्ली आई हूँ तब से मैं पहली बार ना कुछ बनाने जा रही हूँ सब्जी, और यहाँ पे मम्मी ने बोला पहले छौंक लगा दो, सपैता बन रहा था पालक और दाल का, तो यहाँ पे यही हुआ कि छौंक लगा दो फिर उसमें सब्जी बना देना। मैंने कहा ठीक है, तो मैंने सब ना एक साथ ही काट लिया था, मिर्च और टमाटर सब सब्जी के और दाल छौंकने के। तो यहाँ पे मसाला पीस के तो कोई कुछ डालेंगे नहीं, खड़े मसाले का ही सब्जी भी बनेगा, तो मैंने कहा कुछ बनाते हैं। और मैगी मसाला ऊपर से मैंने डाल दिया था, उसमें लहसुन प्याज नहीं होता, तो
स्वाद सब्जी में आ गया था। तो यहाँ पे देखिए दाल छौंकने की तैयारी कर रहे हैं, और दाल ना मम्मी पानी ज़्यादा डाल दी है, तो इसको थोड़ा सा मैं अच्छे से पका लूँगी तो दाल गाढ़ी हो जाएगी। वैसे हम सही बताऊँ तो मुझे गाढ़ी दाल एकदम नहीं पसंद है, थोड़ा सा ठीक रहे, मीडियम रहे ऐसा, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं और बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं। तो देखिए थोड़ा सा मैं पका रही हूँ और अच्छे से पक जाएगा। और यहाँ पे देखिए सब्ज़ी की रेसिपी नहीं शेयर की, लेकिन सब्ज़ी इस तरीके से बन के तैयार है। ऊपर से मैगी मसाला डाल दूँगी, धनिया डाल दी हूँ मैं, तो जो वो वाले चने आते हैं ना जिसमें आखा टाइप में निकल जाता है, तो वही पड़ा हुआ था कितने दिन से, तो मैंने कहा कि लाओ सब्ज़ी डाल के बना देती हूँ। आलू सब गोभी और उसकी सब्ज़ी बन गई थी। खाना बना बना के नहा धो के पूजा पाठ हो गया है, और कल मैं डॉक्टर को दिखाने गई थी और बड़ा टेंशन, मतलब एक तरीके से टेंशन हो गया है, क्योंकि मैंने सोचा था कि मैं ना 21 पेशी करने तक लहसुन प्याज नहीं खाऊंगी, लेकिन डॉक्टर ने मतलब इतनी सारी बातें सुनाई, बोले अभी से सन्यासी क्यों बनना है, तुम्हारे शरीर में इतनी कमी है और तुमको खाना चाहिए, प्रॉपर खाना लेना चाहिए, डाइट लेना चाहिए, अभी से क्यों संत बनना है, अब उनको क्या समझाया जाए। तो वही बोल रहे थे कि जब नॉर्मल इंसान थोड़ा सा खाता है चलो लग जाता है, लेकिन तुम्हें प्रोटीन की इतनी ज़्यादा ज़रूरत है, वो तो नॉनवेज को भी बोल रहे थे। लेकिन मैं सोच रही हूँ कि लहसुन प्याज बस अगर खाना हो तो खाऊँ, मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब दिमाग ना दो तरीके से बट गया, समझ में नहीं आ रहा है क्या करूँ। तो एक तरीके से उनका कहना सही था, और ऑप्शन बहुत कम बच जाते हैं मेरे लिए खाने पीने के। तो कल ना पूरा दिन टेंशन में, मम्मी भी हम भी, कि लहसुन प्याज इतना दिन से छोड़े थे, इच्छा तो एकदम नहीं है कि मतलब कि ना कि खाएं, सही बताएं तो। लेकिन बागेश्वर धाम गुरुदेव जी भी कहते हैं कि अगर आपको डॉक्टर ने बोला है तो आप खाइए, लेकिन फिर भी मैं ये जानते हुए भी मैं छोड़ी हुई थी, लेकिन अब मुझे लग रहा है खाना ही पड़ेगा। तो देखते हैं, जब खिलाने से पहले क्या होता है कि कन्याओं को खिलाया जाता है तब आप लहसुन प्याज खा सकते हैं, देखते हैं क्या होता है, प्लानिंग कर रहे हैं तो कन्याओं को खिलाने के बाद खाना होगा। बहुत सारी चीज़ें डॉक्टर ने समझाया बताया, तो लगता है कि चलो खाना खा लेती हूँ, पूजा पाठ हो गया है, टाइम हो रहा है, दवा भी खानी है। तो आप लोग एडवाइस करिएगा कि मैं क्या करूँ, लहसुन प्याज मुझे छोड़ना चाहिए या खाना पड़ेगा, मेरे लिए मजबूरी है। तो चलो उस बात को वो करते हैं। और ये पार्सल मुझे रिसीव हुआ है, और इस पार्सल में खोल के देखते हैं, एक मिनट खोल बैक कैमरा से दिखाते हैं। तो ये मैंने ऑर्डर किया है, ये एक अचार दिख रहा था मुझे जो कि बिना लहसुन प्याज का बनता है। इसको मैंने खोलने की कोशिश की थी, खुला नहीं। ये देखिए यहाँ पे ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, मैं तो ऐसे ही बस दिखा रही हूँ। तो मतलब मुझे रिसीव अभी हुआ है, ये खुल नहीं रहा है मेरे से ढक्कन जो है, ये ढक्कन खुल नहीं रहा है। तो मम्मी खोलेंगी अपना जोर दिखाते हुए, मम्मी जी, मम्मी सवास सवास मम्मी। अरे सच्ची में हमारे अंदर दम ना। तो ये अचार है, टेस्ट करते हैं कैसा है। मम्मी टेस्ट करा तो सही खोल दिए हैं यार, हमसे खुलवा, हमें ताकत कमी होगा ना। ये एक अचार का वो निकाल रहे हैं, प्याज नहीं है और बहुत ही रुले। मेथी पचफोरन, हींग, हींग मर्चा, मेथी पचफोरन, हींग मर्चा, देखो बब्बू हो जाकर आप खोल रहे अब वो सोचे थे कि अच्छा है, अब वो कहा थे कि जरा बढ़िया खोला। ड्राई मैंगो प्रिंकल अचार है ये, दाल चावल के साथ खाने के लिए चाहिए होता है। दाल चावल ले कुछ ना ले, वो रोटी खाए कुछ देर बाद खा, चाव तो के खाए खाला, एकदम घर वाला टेस्ट है, और न तेल ज़्यादा है न मसाला ज़्यादा है, पचफोरन से बना हुआ है, हींग डाला हुआ है, अच्छा है, खा सकते हैं, ले सकते हैं इसको, अगर आप बाहर रह रहे हैं तो दाल चावल के साथ खाने के लिए ले सकते हैं, अच्छा है।
तो चलिए यहीं पे वीडियो का एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए।